बात चुनाव की की जाए गृह मंत्री जी तो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि चुनावों के चलते एक बहुत बड़े सम्मान का राजनीतिकरण कर दिया गया भारत रत्न का आरोप विपक्ष की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया गया हो या फिर चरण सिंह जी को सम्मान दिया गया हो भारत रत्न का राजनीतिकरण किया गया है जान चुनाव से पहले देखिए आपने क्रम नहीं जाना है ना क्रम का अभ्यास करने की तस्दी ली है पहले भारत रत्न दिए गए बाद में ये लोगों ने भाजपा के साथ आना मुशिव किया है समझा है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कई नेताओं को भारत रत्न दिया अब आप मुझे बताओ राव जी को भारत रत्न देकर क्या हासिल है हमें तरुण गोगाई जी को भारत रत्न देकर क्या हासिल है ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो दादा पिता मां इनको ही भारत रत्न देगी भारतीय जनता पार्टी है जिन जिन्होंने योगदान किया है इरिस्पेक्टिव आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पार्टी हम उनको सम्मानित करेंगे और करना चाहिए सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व को कितने साल लग गए भारत रत्न दिले में चंद्रशेखर जी ना आते तो शायद भारत रत्न न मिलता इस तरह से पद्म पुरस्कारों का और गौरव देने वाले पुरस्कारों का आबंटन राजनीतिक रूप से नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और मोदी जी ने भारत रत्न पर या पद्म पुरस्कारों पर जिनका अधिकार था उन तक पहुंचाने का काम किया पहले तो कुछ चंद पत्रकारों की सिफारिश से भी मिलते थे अब आप कर कर देख लो जिनको जनता के काम के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उन्हीं को मिलता है कांग्रेस के नेता परेशान है कि बीजेपी ने पहले सरदार पटेल जी को ले लिया और अब नरसिम्हा राव भी नहीं ले लिया भाई हम तो सरदार पटेल का सम्मान करते हैं पूरी दुनिया जानती है सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे नरसिम्हा राव जी कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे आप सम्मान नहीं कर रहे हो इसलिए लगता है कि भाजपा ने ले लिया लेने के तो वो दोनों दिवंगत है कैसे लेंगे हम अब चुनावों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने 370 सीटों का लक्ष्य दिया है अमित शाह जी का क्या लक्ष्य है देखिए मेरा कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने लक्ष्य रखा है और जनता को विनंती करी है कि हमें तीन सीट देकर चार पार कराइए एन को ये नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है और हम सब इसी लक्ष्य के अंदर आते हैं